Hi, I'm Shaista Mariam from Neet Junaid's Academy. Today I'm going to explain you about time period of simple pendulum from oscillation. Formula for time period is T is equals to 2 pi root L by G. Normally people get confused in capital T and small t. Capital T time period rehta and small t time rehta. And frequency N is equals to 1 by 2 pi root g by l. Frequency हमेशा जो है सो टाइम पीरियड के ऑपोजिट में रहती. सो g हेयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l इज लेंथ. g की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती 9.8. इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं एंड पाई की वैल्यू 3.14 रहती. तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा तो सिर्फ टी या एल को फाइंड आउट करो बोलता. एंड टिक्स पेंडुलम अटिक्स पेंडुलम इसका फॉर्मूला है, इसका डेफिनेशन है. सेकंड पेंडुलम इज कॉल्ड टिक्स पेंडुलम जिसमें टी की वैल्यू हमेशा 2 सेकेंड्स रहती. तो आपको क्वेश्चन में पूछा कि टिक्स का फाइंड आउट करो तो टी हमेशा 2 लेना उसकी वैल्यू. थैंक यू.